In this video, we are going to study about the methods of preparations of syrups. So let's get started. First method is agitation without heat. ये method हम लोग उन syrups के लिए use करते हैं जिनमें volatile substances होते हैं, ठीक है। इस method के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि active substance जो होते हैं उसको add कर देते हैं solution में, मतलब कि जो हमारा सल्यूट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसको एग्रीटेट करते हैं, यानी कि शेप करते हैं ग्लास टॉपर्ड बॉटल में, ठीक है। ग्लास टॉपर्ड बॉटल मतलब कि कैप वाला जो बॉटल होता है ना उसमें, ताकि जो सिरप है ना उसमें किसी तरह का कोई कॉन्टेमिनेशन ना हो और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। अगर हम लोग हीट करते तो हमारे क्या होता कि वेपर्स बनती और वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है वो एवेपोरेट हो जाता, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि बिना हीट के कर रहे हैं हम लोग, तो कोई भी लॉस नहीं होगा वॉलेटाइल सब्सटेंस का। और हम लोग जब स्टॉपर्ड बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से कोई भी कंटेमिनेशन भी नहीं होगा हमारे सिरप में, ठीक है। लार्ज स्केल भी मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ग्लास लाइन टैंक विद मैकेनिकल एग्रीटेटर्स आर यूज, मतलब कि मतलब जब ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं तो हम लोग उसको शेक तो कर नहीं सकते ना हाथ में, तो मैकेनिकल एग्रीटेटर्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं कफ सिरप्स जो कि इस मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ सोल्यूशन विद हीट। ये प्रोसेस जो होता है वो सिंपल होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग हमारा सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्वा सॉल्यूशन, वाटर हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, और जो हमारा सॉल्यूट होता है वो कोई भी शुगर हो सकती है, जैसे कि सुक्रोज हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो एक्वा सॉल्यूशन होता है यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसमें हमारा जो सॉल्यूट होता है मतलब कि सुक्रोज, हम लोग ऐड कर देते हैं हमारे सॉल्यूट को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं, मतलब कि सुक्रोज को एक्वा सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। और उसके बाद ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है सुक्रोज का और सॉल्यूशन का उसको हीट करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं अगर हम लोगों को जितना वॉल्यूम चाहिए। सबसे पहले तो हीट कर लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे डिस्टिल्ड वाटर से जितना हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए। इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हम लोग एक्सेसिव हीटिंग करते हैं, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हीट करते हैं सॉल्यूशन को, तो हमारा जो सुक्रोज है उसका इन्वर्जन हो सकता है। इन्वर्जन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे कि अगर हमारी डेक्सट्रो शुगर होगी यानी कि डेक्सट्रोटेटरी शुगर होगी तो वो लिवो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर लिवो फॉर्म में होगी शुगर हमारी तो वो डेक्सट्रोरोटेटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड वन इज़ एडिशन ऑफ मेडिकेटेड लिक्विड। ये मेथड तब प्रेफर किया जाता है जब हम लोगों को टिंचर्स, फ्लूड एक्सट्रैक्ट्स या फिर दूसरे मेडिकेटेड सब्सटेंसेस को ऐड करना होता है हमारे सिरप में, ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे टिंचर्स हैं, फ्लूड एक्सट्रैक्ट्स हैं या फिर दूसरे मेडिकेटेड सब्सटेंसेस हैं, ये लिक्विड फॉर्म में हैं और हम लोगों को इनको सिरप में ऐड करना है, तब इस मेथड को हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना फ्लूइड एक्सट्रैक्ट टिंचर लेते हैं या फिर जो भी मेडिकेटेड सब्सटेंस है जो कि लिक्विड फॉर्म में, उसको लेते हैं हम लोग, फिर उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं। मतलब हम लोगों ने हमारा फ्लूइड एक्सट्रैक्ट लिया, टिंचर लिया या फिर कोई भी और मेडिकेटेड सब्सटेंस जिसको हम लोगों को सिरप में ऐड करना है, वो हम लोगों ने लिया, उस सब्सटेंस को हम लोगों ने वाटर के साथ मिक्स किया, जो सॉल्यूशन बना वाटर का और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट टिंचर या फिर जो भी हमने मेडिकेटेड सब्सटेंस लिया उसका, उसको हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसके जो सॉल्यूशन के इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग दिखने लग जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। जब इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को फ़िल्टर पेपर की हेल्प से उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है। जब हम लोग फ़िल्टर करेंगे तो इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो तो फ़िल्टर पेपर पर रह जाएगा हमारा, और जो लिक्विड होगा ना वो एक्सट्रैक्ट हो किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। इस मेथड के लिए एक कंडीशन है कि ये मेथड हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब जो हमारा इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो फॉर्म हुए ना वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते, मतलब कि उनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल या फिर थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं होता, सिर्फ उसी केस में हम लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर रहे हैं, तो फ़िल्टर करने पे जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं और जो लिक्विड पार्टिकल्स लिक्विड जो है वो अलग हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जो सॉलिड पार्टिकल है मतलब कि जो इनसॉल्युबल कॉन्सेंट्रेट है वो एक वेस्ट मटेरियल है। तो अगर सॉल्यूशन में से हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट, अगर हमारा इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स है वो अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे, वही अगर हमारे सेपरेट हो जाएंगे सॉल्यूशन में से, तो हम लोगों को जो सॉल्यूशन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को सिर्फ उन सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करना है ये मेथड जिन सॉल्यूशंस में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं ना वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते, उनका कोई थेरेप्यूटिक रोल नहीं होता। परकोलेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक परकोलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। परकोलेटर का जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे हम लोग कॉटन लगा देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग सुक्रोज फिल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से प्योरीफाइड वाटर डालते हैं। ठीक है, प्योरीफाइड वाटर सुक्रोज को अपने आप में डिजोल्व करते हुए कॉटन से पास होता है और फिर हम लोग उसको यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा परकोलेशन मेथड से सिरप फॉर्म होता है।